सो गाइस मेरे पास है आज गोवो की तरफ से गोकेक 652 नेक बैंड। गाइस जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी साउंड क्वालिटी है, कैसा बैटरी बैकअप हमें देखने के लिए मिलता है इस नेक बैंड के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित आर्य एंड आप देख रहे हैं फिल्मी टेक। सो गाइस ये रहा बॉक्स, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर कॉन्टेंट है। तो जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसा नेक बैंड लगता है और क्या क्या इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो भाई साहब ये नेक बैंड हमारे बाहर आ चुके हैं, तो देखते हैं इसको फाइनली कैसे ये लगते हैं। तो वैसे तो काफ़ी प्रीमियम से लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी फील दे रहे हैं। साइड में रखते हैं और चीज़ें देखते हैं पहले। तो ये टाइप सी डेटा केबल देखने के लिए मिलती है जो कि एक फास्ट चार्जिंग केबल है, तो काफ़ी मस्त चार्जिंग का सपोर्ट तो है इसके अंदर। आगे स्पेसिफिकेशन में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कितनी बैटरी वगैरह चलती है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वालिटी वगैरह है, काफ़ी अच्छी है। तो इसको भी अभी साइड में रखते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके साथ में मिलती हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं कैसी क्वालिटी इनकी भी है। तो ये आ गए बाहर, यहाँ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुफ्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। रबड़ के हैं बेसिकली ये, चार हमें देखने के लिए मिलते हैं अलग से, छोटे बड़े दो ईयरफोन्स में लगे हुए आते हैं, तो टोटल छः हो जाते हैं। एंड ये एक वारंटी कार्ड है जिसको आप क्लेम कर सकते हो स्कैन करके। एंड देखते हैं डिब्बे के अंदर और कुछ तो नहीं रह गया यहाँ पे। ओ ये बुकलेट और मिलती है हमें इसके साथ में, जिसको आप रीड कर सकते हो, गोवो की साइड से ही आती है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो सारा कुछ। एंड फाइनली अब देखते हैं यहाँ पे नेक बैंड। तो भाई साहब काफ़ी अच्छी फील दे रहे हैं, बाहर निकालते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कैसी इसकी क्वालिटी है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो सब कुछ आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। वैसे तो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, फील काफ़ी मस्त आ रहा है पकड़ने में। तो एंड गाइस मैं बता दूं आपको कैसा ये बिल्ड क्वालिटी है, तो रबड़ एंड प्लास्टिक को मिला के यहाँ पे इसको बनाया गया। ये प्लास्टिक का फ्रेम है और ऊपर और नीचे पूरा रबड़ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे गोवो की ब्रांडिंग हमें देखने के लिए मिलती है। एंड ये कॉन्सोल देखने के लिए मिलता है जिसमें प्लस माइनस एंड एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। पीछे की साइड से माइक है एंड यहाँ पे मैग्नेट वगैरह तो काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी फ्रंट की साइड से गोवो की ब्रांडिंग हमें देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है इन नेक बैंड को। और मैग्नेटिक बर्ड्स हैं तो काफ़ी अच्छी मैग्नेट भी इसकी वर्क करती है। गाइस ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नेक बैंड है, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं पकड़ने में भी। तो काफ़ी मस्त यहाँ पर रबर यूज़ की गई है एंड प्लास्टिक का मटेरियल भी काफ़ी मस्त है। स्पेसिफिकेशन सब कुछ आके बताऊँगा, रुके रहना इसी वीडियो में। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसको अभी कनेक्ट करके देखते हैं फ़ोन से एंड कैसे कैसे चलती है, कैसी कनेक्टिविटी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में अभी दिखाता हूँ। तो जल्दी से फ़ोन को लाते हैं एंड कनेक्ट करके देखते हैं इन ईयरबड्स को। सो जल्दी से अभी फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं एंड जल्दी से इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑन करना होता है इस नेक बैंड को। तो ये जो बीच वाला यहाँ पे बटन दिया गया है, इसकी मदद से आप इस नेक बैंड को ऑन ऑफ कर सकते हो। पीछे की साइड में लाइट वगैरह जल जाती है जैसे ही ऑन ऑफ होती है। जब ऑफ होता है तो रेड कलर की लाइट जलती है एंड ब्लू एंड रेड कलर की लाइटिंग्स वगैरह जलने लगती हैं जब ये ऑन होती है। तो साइड में हमें गाइस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें आप टाइप सी का डेटा केबल लगा के बहुत ही अच्छे से इस नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो। तो जल्दी से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं एंड कनेक्ट करके देखते हैं कैसी कनेक्टिविटी इसकी है एंड कितनी बैटरी अभी इसके अंदर है। तो जल्दी से इसको कनेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे सर्च वगैरह हो रहा है, अभी नेम आएगा एक बार, ब्लूटूथ में दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है नेम शो हो रहा है आपको गोकेक 652। जल्दी से इसको पेयर करते हैं पहली बार एंड देखते हैं कैसी क्वालिटी वगैरह इसकी सब कुछ है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो गाइज यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होते हैं। सो गाइज ये था इन नेक बैंड की अनबॉक्सिंग के बारे में एंड कैसे कनेक्ट वगैरह होते हैं फोन से, सब कुछ मैंने दिखाया। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, कितनी बैटरी चलती है, कैसी इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, कितने प्राइस में आती है, सब कुछ इस बारे में अब बात करते हैं बहुत ही डिटेल में। सो गाइज अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में, इस नेक बैंड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त देखने के लिए मिलती है हमें इस नेक बैंड के अंदर। यहाँ पे में प्लास्टिक और रबड़ का डिजाइन देखने को मिलता है, काफी जो है प्रीमियम फील कराता है। एंड ऊपर की साइड से एयरफोन्स पे जो है गोवो की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है, तो ओवरऑल काफी प्रीमियम फील होता है एंड काफी अच्छी क्वालिटी के ये नेक बैंड है। एंड गाइस अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की जो कि है साउंड क्वालिटी, जिसकी वजह से हम परचेज करते हैं किसी भी नेक बैंड को, हेडफोन को या फिर एयरफोन को। तो साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी अच्छी साउंड क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है इस नेक बैंड के अंदर। यहाँ पे गाइस बेस काफी ज्यादा मायने रखता है, तो बेस काफी ज्यादा अच्छा है इस
बेस नेक बैंड के अंदर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जिसमें बेस वगैरह काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो उस चीज को काफी अच्छे से फुलफिल कर पाता है। एंड गाइस बेस वगैरह म्यूजिक सारा कुछ अच्छे से कंट्रोल करता है एंड काफी अच्छी म्यूजिक की आवाज इसकी लगती है। एंड गाइस अगर बात करें यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन की, तो नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, काफी मीडियम सा नॉइस कैंसिलेशन है। अगर आप मीडियम वॉल्यूम पे जो है कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनते हो, तो बाहर कुछ भी चीज चल रही होगी या फिर कोई भी आवाज वगैरह हो रही होगी, तो वो आपके कानों तक डेफिनेटली जाएगी। एंड गाइस अगर यहाँ पे बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे होगी, तो आपके कानों पे कोई भी आवाज वगैरह नहीं जाएगी। फुल वॉल्यूम पे अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो, मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो कोई भी आवाज आपके कानों तक उस टाइम पे नहीं जाने वाले, क्योंकि म्यूजिक की आवाज ही बहुत ज्यादा तेज होगी उस टाइम। एंड गाइस पर्सनली मैं बात करूं कि नॉइस कैंसिलेशन मुझे पसंद है या नहीं, तो मीडियम सा नॉइस कैंसिलेशन मुझे पसंद है, जो कि इस नेक बैंड के साथ में आता है। एंड गाइस ज्यादा नॉइस कैंसिलेशन जो होता है वो काफी ज्यादा बेकार लगता है कुछ टाइम के बाद। गाइस यहाँ पे अगर मान लो कि आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो और पीछे से कोई आवाज वगैरह दे रहा है, तो कोई भी वहाँ पे आवाज वगैरह आपको सुनने के लिए नहीं मिलती है। एंड गाइस अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए नेक बैंड ले रहे हो, जैसे कि आपको म्यूजिक वगैरह काफी अच्छे से सुनने हैं, एंड गाइस मूवीज वगैरह देखनी है और आपको कोई भी साउंड नहीं चाहिए बाहर की, तो ये आपके लिए नेक बैंड अच्छे नहीं है। अगर आपको डेली लाइफ के लिए काफी अच्छा सा म्यूजिक एंड गाइस नॉर्मल सा यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप ही के लिए ये नेक बैंड बने हैं। एंड गाइस बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कमाल है इस गोकेक 652 नेक बैंड का। गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा और जो ब्रांड है उनमें इतना ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइस इस यहाँ पे नेक बैंड को मैं 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ एंड नॉर्मली मैंने इसको यूज किया है। एंड गाइस यहाँ पे मेरी सिर्फ 10% बैटरी जो है वो खर्च हुई है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप इस नेक बैंड को 10 मिनट चार्ज करते हो, तो यहाँ पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे फुल चार्ज होने के बाद 100 घंटे का बैटरी बैकअप जो है कंपनी क्लेम करती है, तो एक हफ्ते से ज्यादा आपका जो नेक बैंड है वो आराम से चल जाएगा यहाँ पे डेली लाइफ के यूजेज वगैरह में। तो बैटरी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस नेक बैंड के अंदर। एंड गाइस बात करें अगर प्राइस की, तो ये आता है 999 में। एंड गाइस अमेजोन पे आपको 1000 के अंदर बेसिकली आपको मिल जाएगी एंड गोवो की साइट से भी आप जाके खरीद सकते हो इस नेक बैंड को। एंड गाइस यहाँ पे अगर और जो ब्रांड है वो 700-800 रुपए तक में भी नेक बैंड दे रहे हैं ये वाले। एंड गाइस अगर इसका प्राइस भी 800 रुपए तक होता, तो काफी अच्छा ऑप्शन ये हो जाता एंड काफी ज्यादा इजी हो जाता इसको खरीदना। पर गाइस यहाँ पे 1000 रुपए प्राइस तो है, पर यहाँ पे क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड गाइस बैटरी बैकअप सारे ही नेक बैंड से काफी ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल काफी अच्छे नेक बैंड है 1000 रुपए के अंदर। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।